फ्रेंड्स आज लेके आए हैं बहुत ही टेस्टी वाली कटलेट की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होगी, बट रेसिपी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। जब भी कोई रेसिपी आपको दूंगी तो बेस्ट ही होगा वो। तो चलिए बनाते हैं। तो सोयाबीन को गर्म पानी में डाल देंगे और साथ में एक चम्मच या हाफ टेबल स्पून नमक डाल के उसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप 20 मिनट के लिए रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, 20-25 मिनट के लिए रख लीजिए। और उसके बाद एक प्याज ले लिया है मैंने और कुछ लहसुन ले लिए 5-6 कलियाँ और अदरक ले लिया 1/2 इंच ले लिया, जितना भी आपको डालना हो ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो सॉरी प्याज एक नहीं दो प्याज है और 4-5 हरी मिर्च लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो इसलिए 3-4 हरी मिर्च डाल दिया है। साथ में लाल हो जाता है ना हरी मिर्च, वो वाली भी डाल दी है। और सबको इस तरह से आपको सॉफ्ट कर लेने हैं। तो आपको चाहे तो चाकू से भी काट सकते हैं, पीसना नहीं है, मिक्स में पीसना नहीं है, बस आपको चॉप्ड करनी है। या तो आप चाकू से करें या फिर इस तरह से हैंड ग्राइंडर से कर दें और इस तरह से वो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाते हैं। ऐसे ही चंक्स होने चाहिए। जब हम कोई भी कटलेट वगैरह बनाते हैं तो पीस के बनाते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है जितना ये चंक्स वाले अच्छे लगते हैं। और इधर सोयाबीन भी हो गया है लगभग 20 मिनट, मैं 20 से 30 मिनट से लेकर 1/2 घंटा तक रख देती हूँ। इससे क्या होता है सोयाबीन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसको 3-4 पानी का आपको वॉश करना होता है, हल्का हल्का पुश करते हुए दबाते हुए उसको 3-4 पानी से धोना है। थोड़ा सा सोयाबीन जो होता है वो गंदा होता है तो थोड़ा सा गंदगी होता है, इसके लिए इसको साफ़ किया जाता है नमक से। और इस तरह से आपको एकदम बिल्कुल निचोड़ के ही आपको हैंड ग्राइंडर में ही डालने हैं। तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हम कटलेट बनाएंगे तो पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो कटलेट हम बनाएंगे फ्रेंड्स वो बिल्कुल मतलब बहुत कम बेसन के साथ बनाएंगे, मतलब फ्लेवरफुल होगा, टेस्ट से भरा हुआ होगा और बहुत ही कम मसाले के साथ होगा। तो चलिए आप आगे देखते जाइए, मेरे कटलेट बनाने की रेसिपी आपको फिर बहुत ही यूनिक लगेगा। तो इस तरह से मैंने सारे प्याज अदरक हरी मिर्च सबको चॉप कर लिए थे, उसको एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इधर हमने सोयाबीन को भी क्रश कर लिया है तो सोयाबीन को भी हम डाल देंगे। सोयाबीन भी 1/2 घंटा अगर आप भिगो लेते हैं बहुत ही अच्छे से आपका रस हो जाएगा इस तरह से हैंड ग्राइंडर में, या फिर इसको आप मिक्सी में भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें नहीं करना हो तो। लेकिन इस तरह से करके बनाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। मैंने ऐसे करके बनाई और वो इतना लाजवाब बना कि आपको बड़े बड़े मतलब होटलों में भी ऐसी रेसिपी नहीं मिलेगी, इतनी टेस्टी बनेगी। आप बना के देखिएगा एक बार, बहुत टेस्टी बनेगा। और साथ में डाल देंगे नमक और कुछ ड्राई मसाले जो होते हैं जैसे हल्दी, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च, ये सब चीज़ें भी डाल देंगे। सारे ड्राई मसाले डाल देंगे और बहुत ज़्यादा गरम मसाले वगैरह नहीं डालेंगे, बस हल्दी, जीरा, धनिया, ये बेसिक मसाले होते हैं, काली मिर्च, ये काली मिर्च है तो काली मिर्च, और एक चम्मच अजवाइन ज़रूर डालेंगे। इन सब चीज़ों में अगर आप अजवाइन डालते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें टेस्ट में तो अच्छा हो ही, वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा हो। इधर मैंने 2 आलू भी उबाल के रख लिए थे, जब किसी सब्जी बनाने के लिए बनाए थे 2 आलू भी उबाल के साइड में रख लिए थे, एक्स्ट्रा उबाल लिए थे मैंने, तो 2 आलू भी डाल देंगे। तो लगभग 1 कटोरी सोयाबीन था तो उसमें हम 2 आलू डालेंगे, ज़्यादा आलू भी नहीं डालेंगे, हमें सोयाबीन का ही फ्लेवर चाहिए। जब भी मैं कोई रेसिपी देती हूँ तो जो रेसिपी होती है मेरी कोशिश होती है कि उस चीज़ का ही जो फ्लेवर आए बाकी चीज़ों का कम आए। मैंने इसमें गरम मसाला नहीं डाला है, आप गरम मसाला बिल्कुल भी मत डालिएगा और बस इतना ही काफ़ी होता है। और इसमें मैंने सरसों तेल डाले थे, इस टाइम अगर आप 1 से 1.5 चम्मच सरसों तेल डाल देते हैं फ्रेंड्स तो जब आप इसको फ्राई करेंगे वो बहुत ही कम ऑयल में ही फ्राई हो जाता है। अब बेसन ले आई हूँ मैं, अब 2 चम्मच हम बेसन डालेंगे, 2 चम्मच मतलब फुल बेसन नहीं लिया है मैंने, मतलब 1.5 चम्मच इतना ही बोल सकते हैं, तो 1.5 चम्मच इतना ही बेसन लेंगे। बेसन का भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर हमें नहीं चाहिए, अगर आप बेसन ज़्यादा डालते हैं तो बाइंडिंग बहुत अच्छी से हो जाएगी और फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। लेकिन हम बेसन नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बेसन नहीं खाना है, हमें सोयाबीन खानी है, हमें सोयाबीन को खाना है और अपने बच्चे को खिलाना है। क्योंकि हम कोई चीज़ खिलाते हैं तो हम फायदे के लिए खाते हैं, तो हम बेसन उसमें ज़्यादा नहीं मिला रहे हैं। 2 चम्मच बेसन के साथ मैं इसको बाइंडिंग करके देख लूँगी, अगर क्रैक हो रहा है थोड़े बहुत हो रहा है तो उसको हम हाथों से चिकना कर लेंगे, अगर ज़्यादा क्रैक हो रहा है तो 1/2 टेबल स्पून बेसन और डाल सकते हैं।
तो इस तरह से आप चेक करते जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे एक हाथ से करें हल्का सा क्रैक आ रहा है, तो मैंने बेसन नहीं डाला, मैं उसको दोनों हाथों से हल्का सा साइड से क्रैक को बंद करते हुए अपने सारे कटलेट्स जो है वो तैयार कर रही हूँ। तो आप इस तरह से पहले ही अगर कटलेट तैयार कर लेंगे तो फ्राई करने में बहुत ही ईजी हो जाता है। जो हमने ये बनाया इसमें सबसे ज़्यादा जो दो चीज़ों को हमने रखा है वो एक तो प्याज अदरक लहसुन का जो है और दूसरा सोयाबीन। इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा ये। इसमें बेसन वगैरह का टेस्ट या गरम मसाले का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह से मैंने सारे अपने कटलेट्स जो है वो रेडी कर लिए हैं। सेप आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जो आपको सेप खाना हो उस तरह का सेप आप कटलेट्स को दे सकते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ज़्यादा बेसन डाल दोगे या मिक्स फ्राई कर दोगे उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा केयरफुली काम कर लीजिए और कम ऑयल में बना लीजिए। इस तरह से गैस की मीडियम रखा है, इसमें मीडियम रखेंगे, मीडियम को लो कर लीजिए ताकि अच्छे से सीख जाए, अच्छी ना रहे और हमें ऑयल भी कम लगे। बस एक एक करके आप रख लीजिए। अगर साइड से थोड़े से पूछते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसन ज़्यादा डालने से या डीप फ्राई करने से, अच्छा है कि आप इस तरह से कम ऑयल के साथ। और फ्रेंड्स इंडिया में हम रहते हैं तो इसको जीरो ऑयल बोलेंगे। इंडिया में आप घर की कुकिंग में देख सकते हो वो हमेशा ये डीप फ्राई करते हैं, उसको आप ऑयल बोल सकते हो, पर इसको आप जीरो ऑयल बोलो, क्योंकि जीरो ऑयल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल भी पानी में उबाल के खा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम इंडियंस की जो हमारा जो शरीर है कैपेसिटी है हमारे खाने की डाइजेशन की वो ऐसी नहीं है कि हमें जीरो ऑयल का मतलब होता है कि बिल्कुल पानी में उबाल के, वैसे नहीं खाना है आपको। जब आपका ये कटलेट रेडी हो जाए, फ्राई हो जाए, समझ में आती है उसको निकालना है, उस टाइम में गर्म तवे से ही हम चार हल्दी डाल दिए हैं ताकि हम दोनों दोनों खाएंगे। मुझे भी स्पाइसी बहुत पसंद है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें, उसी ऑयल में रोस्ट हो जाएगा। आप देख सकते कि मैंने इतना कम ऑयल डाले थे अपने कटलेट में कि मेरे मिर्च फ्राई होने को भी अलग से ऑयल डालने पड़े, और थोड़ा सा मैं आपके लिए डाल दूँगी ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। नहीं तो मैं ये नहीं डालती, लेकिन शायद आपको लगे कि मुझे ऑयल दिखी नहीं है, शायद जो हमें दिख रहा है कि मैं थोड़ा सा और डाल दी है। जो मैं नेक्स्ट बनाऊँगी, नेक्स्ट बैच जो बनाऊँगी मैं उसमें ये ऑयल नहीं डालूँगी और जीरो ऑयल के साथ बनाऊँगी। इसको जीरो ऑयल ही बोलते हैं, जीरो ऑयल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम पूरे को पानी में उबाल रहे हैं, वैसा बिल्कुल नहीं खाना है हमें। जब तक आपको डॉक्टर ने ना लिखा हो कि आपको ऑयल घर में लाना ही नहीं है, बिल्कुल अवॉइड करना है, तो भी आप खा सकते हैं। बट हम जैसे जो हम लोग नॉर्मल लोग हैं तो फिर हमें ऐसे बिल्कुल पानी में उबाल के खाने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से आप बनाइए। और नींबू मैंने पहले ट्रे में ही रख दिए थे, अब मैंने प्लेट में ही रख दिए, तो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तभी आप खाएंगे या देखेंगे तो बनाएंगे और मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी आपको देती हूँ इतने अच्छे अच्छे टिप्स के साथ, और आप लोग ना लाइक करते हो, ना कॉमेंट करते हो, ना शेयर करते हो फ्रेंड्स, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बना है और कितना कम ऑयल के साथ बना है, और इसका टेस्ट तो फ्रेंड्स एक बार आप बनाइए फिर आप समझ में आ जाएगा कितना नेचुरल टेस्ट इसका लगेगा। अब जब इसको खाएंगे तो उसमें अदरक और प्याज की जो चंक्स की क्रंच आएंगे ना, जो आप पीस के बनाओगे ना, ये क्रंच का बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप एक बार पीस के भी बनाना या बनाते ही होंगे, एक बार मेरी तरह बनाना, ये बिल्कुल लाजवाब आपकी कटलेट है बन के रेडी हो जाएगी। आवाज़ मेरी थोड़ी सी आज डाउन है क्योंकि तबीयत ख़राब है, अब कल संडे है, तो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग संडे को बनाइए, इंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स।